देखिए, जब भी आप वर्क स्टार्ट करते हो तो यूनिट तो आपको देखना फर्स्ट मेन काम आपका वर्क है। एक यूनिट होती है, यूनिट आपको यहाँ पर रखना होगा। डेसिमल अभी रिकॉल्ड है तो ये रखना, स्केल बता दीजिए एमएम है या इंच। अभी इंच रखेंगे, ओके कर, तो कुछ नहीं होगा। अब आपको जूम कमांड लगा करके ए एंटर करना है ऑल स्क्रीन की। अब हमने पॉइंट पढ़े थे, पॉइंट में पढ़ा था एब्सोल्यूट, रिलेटिव, अप्रोक्सीमेट और एंगल मेथड, चार मेथड हैं। अब हमको इसके नेक्स्ट कमांड आएगी लाइन कमांड। लाइन कमांड जो चलती है वो चलती है हमारे रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ही चलती है वैसे। तो लाइन कमांड की जो की होती है वो होती है एल। एल दबा के एंटर किया, आपको ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, अब आपको इसमें जो मेथड चलता है ना पॉइंट में, जो मेथड में यूज करते हैं उसके लिए आपको सिर्फ एट लगाना पड़ता है रिलेटिव के लिए। इसमें सीधा ही लगाओ, डिस्टेंस लिखो, कॉमा लगाओ, वापस डिस्टेंस लिखो पॉइंट का, पहले एक्स वैल्यू फिर वाई वैल्यू, सीधा ही होगा। जैसे मैंने मान लो 50 लिख दिया एक्स की, कॉमा लगाया वाई की वैल्यू 0, एंटर कर दिया, सीधा ही बन जाएगी लाइन। और लाइन क्या है ना, ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये देखो ये स्ट्रेट बनी है ना, क्योंकि इसकी लेंथ है वो 50 है हमारी। अब मैंने क्या करा, कमांड से यहाँ पर बाहर आ गया था, वापस मेरे को इसी एंड पॉइंट से लाइन स्टार्ट करनी है, तो एंटर एक और एंटर कर देंगे, तो जहां से छोड़ा था वहीं से लाइन कंटिन्यू चलेगी आप डबल एंटर करने पर, ठीक है। अब हमको अब क्यों से मैथ में चलना है, वाई वाई एक्सिस में एक्स 0 ले जाएगा, 0.50 एंटर, स्ट्रेट चली गई लाइन यहाँ पे। अब इधर चलाना है तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का 50 हो जाएगा हमारा, कोमा 0 एंटर, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट, बस 0 माइनस 50, माइनस 50, 0 माइनस 50। हाँ देखो, यही मेथड होता है रिलेटिव मेथड चलता है ना, रिलेटिव में तो जो पॉइंट एंड होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है बात, वहां पर इसमें वो एडर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट चलो काम वर्क करते जाओ। अब देखो कि मेरे पास एक ड्राइंग है और आपको लाइन मेथड से बनानी है। ये वाले इसमें आपको एक्सप्रेस मेथड का काम आ जाएगा, रिलेटिव मेथड भी काम ले सकते हैं, सब मेथड इसमें चलेंगे। इसको हम पॉइंट से भी कर सकते हैं और लाइन से भी कर ही सकता हूं मैं। आपको इस ड्राइंग को पहले है ना कैड में ले जाना है, मतलब आपको मैं भेज दूंगा तो फोन से देख के भी कर सकते हो, मेरे को अभी कैड में यूज करना है ना, तो यहां से करूंगा सेलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और इसमें ले जाकर के आप कंट्रोल वी कर दो बस, ले आ गई। अब इस इमेज को मेरे को थोड़ा इधर रखना है, तो एक कमांड यूज करते हैं एम होता मूव करने की, मूव करेंगे आप पॉइंट कौन सा भी उठा लो यहाँ प्लेस कर दिया। अब मेरे को वर्क स्टार्ट करना है, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, यहाँ दे रखा है 1.1, जेड एंटर, एंटर करके वर्क स्टार्ट कर दो आप सीधे। तो मैं लाइन से भी ले सकता हूँ, लाइन लगाया एंटर किया, कोऑर्डिनेट दे दूंगा 1.1, स्टार्ट होगी लाइन आपकी। अब आपको सेकेंड पॉइंट देना है, क्या होगा कोऑर्डिनेट यहाँ पर, 4.1.1, 4.1.1 एंटर, कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा, बट गलत हो गया ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट इसके साथ रिलेटिव चल गया, ये रिलेटिव से चल गया लाइन, यहाँ से हमारी स्ट्रेट है, देखो सीधी लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट मेथड यूज करना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट
पॉइंट लगाओ, पहला कोऑर्डिनेट दे देंगे 1, 1, एंटर, पॉइंट लग गया यहाँ पर, ये 1, 1 पे लग गया। पीटी कमांड लगाओ, पॉइंट बड़े ले लो यहाँ से थोड़े से ना, दिखने चाहिए हमको थोड़ा सा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट दे दूंगा, सेम पॉइंट कमांड ही लगानी, 4.1 कोमा 1, ये स्टेट पॉइंट लग गया हमारा, सीधा एक्सट्रीम पॉइंट लगेगा। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू हमारी दे रखी है यहाँ पे, लाइन बाद में खींच लेंगे, पॉइंट को आगे मिला सकते हैं लाइन से। अब ये कोऑर्डिनेट भी आपको, ये जो पॉइंट चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं एब्सोल्यूट मेथड से, इसमें हम फिक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, किसी के रिलेटिव नहीं चला रहे हैं। वापस देंगे, क्या कोऑर्डिनेट वैल्यू दे रखी है देखो यहाँ पर, 4.5, 2.2, 4.5, 2.2, एंटर, वो पॉइंट लग गया आपका यहाँ पे। अब ये इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है हमको, तो इसको थोड़ा सा मैन्युअली में स्केल कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको पास में ले आते हैं हम तो इजीली दिख सके, बार बार उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। अब ये पॉइंट ये छोटे दिख रहे हैं और ये बड़ा दिख रहा है, तो आर ई कमांड लगाओ रीजन। अब जो सेकेंड पॉइंट चलेगा वो हमारा चलेगा रिलेटिव मेथड प्लस एंगल मेथड, रिलेटिव प्लस एंगल चलेगा, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ ओनली डिस्टेंस दे रखा है, आगे वाला कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा। लेंथ दे रखी है 2.3, तो पॉइंट लगाओ आप सिफ्ट एट द रेट, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है 2.3, अब कोमा नहीं लगाना, शिफ्ट लेस देन, स्ट्रेट लाइन के एंगल कितना होता है, इस मतलब इधर चलना है तो 0 एंगल होगा, अगर इधर चलना है तो 180 एंगल होगा। हम इधर चलेंगे ना एक्स में तो 0 एंगल, माइनस एक्स में चलेंगे तो 180 हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहाँ पर हम एंगल दे देंगे 0 और एंटर दे देंगे तो पॉइंट लगेगा। बट हमने क्या करा, एंगल यहाँ कैसे लगा, गलती होगी ना हमारी, एक गलती के कारण पूरा ऑप्शन गलत होता है। अभी गलती हुई ना, तो इसको सुधारने के लिए अब दो, अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मैं पॉइंट, अगर पॉइंट लगाऊंगा ना, ये जो हमारा पॉइंट लगा था यहाँ पर, इसके रिलेटिव चलेगा वैसे, अगर अभी मैं दूसरा पॉइंट लगाता हूँ तो, बट मेरे को इस पॉइंट के रिलेटिव चलाना है, तो फिर आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगा करके रैंडम पॉइंट देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, इस पर क्लिक कर दो बस, कर दिया बस, हटाना नहीं है इस ड्रॉइंग को, हटाओगे तो पूरा वापस करना पड़ सकता है, हटाना नहीं है। अब आपको वापस पीओ लगा करके सिप एट द रेट 2.3 सिप लेस देन 0 एंगल, वो पॉइंट यहाँ चल गया, ये डिस्टेंस भी आपको लग जाएगा, वहां पर नहीं लग जाएगा वहां से, इसलिए लग गया था कि मूव करा था ना, तो इसने स्पेसिफाई पॉइंट यहाँ कर लिया था, बीच में दूसरी कमांड यूज कर ली थी, तो उसने एक पॉइंट वहां से उठा के लगाए थे ना, तो उसने वो पॉइंट भी ले लिया था। जो फर्स्ट कमांड है उसके तुलना मिलेगा। हाँ ठीक है, अब वापस लेना हमको, अब आपको थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए सिर्फ एट द रेट लगा दो, डिस्टेंस है 1.4 सिर्फ लेस देन। अब मेरे को बताओ 180 में से 150 लेस कर देंगे तो पीछे कितना रहता है 30, तो यहाँ पर 30 एंगल आएगा। देखो कि हमको आउटर एंगल लेना है, इनर एंगल नहीं लेना है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना लेना अच्छा है, और फिर मैंने कर दिया, ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल लगेगा, वो पॉइंट कौन लगेगा, क्योंकि हमको इसमें जो कैड में चलता है ना हमारा, अब सारे आउटर एंगल काम आएंगे अभी, क्यों ऐसे चलता है रोटेशन, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस कितना रहा है 2.1 सिर्फ लेस देन एंगल, अब स्ट्रेट लाइन के 90 डिग्री हो जाएगा, लगे लग गया। वापस एंटर, सिर्फ एट द रेट, डिस्टेंस कितना है 1.6, लगे 1.6 सिर्फ लेस देन। अब 30 नहीं आएगा, अब ये पूरा इधर भी मतलब स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन लेके इधर से काउंट होता हुआ जा रहा है यहां तक लेने हैं, सर्कल के तीन पार्ट का एंगल लेना पर, तो सर्कल के तीन पार्ट एंगल 90 से 3 होना करते तो 270 हो जाता है, तो तब की सतह इस
हाँ 270 में से 150 निकाल दो, 270 से 150 माइनस करना पड़ेगा, तब वो हमारा आउटर एंगल आ जाएगा 120 आएगा, 120 आ जाएगा। हाँ 150 120 डिग्री न्यूज़ लग गया। अब पेपर वापस पॉइंट एंटर है, डिस्टेंस कितना है 1.3 न्यूज़ सिफ्ट, अरे सर कॉमा लग गया, कॉमा नहीं लगा था ना, पेपर सिफ्ट लेस देन एंगल होगा 180, इधर लाइन जा रहा है। न्यूज़ पेपर आ गया। सर्कल अब का वापस सिफ्ट एट द रेट, सक्सेस डिस्टेंस कितना है 1.4, सिफ्ट लेस देन, अब तो एंगल कितना हो, दिया था 270 दो, या -90 भी दे दो, तो है तो हाँ वो भी दे सकते हैं, -90 भी दे सकते हैं। सर तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, और इधर 90 से आ रही है, पार्ट और आ रहा है, तीनों मिलके कितना होता है, जोड़ दे कितना होता है, सेवेंटी होता है ना, या भी -90 दे दो, तीन साठ में 90 निकाल ले रहा है, एक बार निकाल सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 270 लेता हूँ, चलो प्लस में चलते हैं, नेगेटिव नहीं होता है, तो ठीक है। अब वापस पॉइंट सिफ्ट एट द रेट, अब डिस्टेंस कितना है 2.12, सिफ्ट लेस देन, अब एंगल कितना आएगा, अब एंगल आएगा हमारा 90 प्लस 45 डिग्री, सो 8 करना है 135, और 8 करना है हमको, स्टैंडर्ड टाइम का तो 90 हो गया, और ये तो टेल हो रही है 135। आ गया वापस एंटर, वापस अभी शिफ्ट एट द रेट, अब वन शिफ्ट लेस देन एंगल होगा 180, स्ट्रेट लाइन का इधर इधर चली है, जीरो सब क्यों लगाना, जीरो एक ही है, जीरो तो है नहीं, अब यहाँ पर 180 कट जाओ, कॉमन वापस एंटर शिफ्ट एट द रेट, अब डिस्टेंस कितना है 1.5, 180 प्लस 40 में जोड़ दो, है 225, वापस वापस एंटर, वापस शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस 1, शिफ्ट लेस देन, अब 360 में से 60 निकाल लें, लाइन ये तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा 180 ले, अब ये 180 नहीं लिया था, 180 लेना पड़ेगा, एक बार 180 लेना पड़ेगा, अब हमको वो करना शिफ्ट एट द रेट 2.3, सिर्फ लेस देन, अब आपको 360 निकालिए, 300 मिल गए, तो एंटर, ये लग गए सारे पॉइंट, ऑल ओवर हो गए, ऑटोमेटिक ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिक हमारा लगा हुआ था, अब इन पॉइंट्स को सबको मिलाना है लाइन मेथड से, एल लगाओ पहला पॉइंट, दूसरा हमारा साइज देने का किसको साइड देना, आप सेक्टर तो नहीं देनी है, तो सिर्फ कुछ करना है, मुझे समझ ना आए, वही कहते हम इसको वापस हटाने दूसरे लाइन नहीं को हटाने, पॉइंट हटाने हमको, बस हाँ पीटी लगाओ, ये भाई पॉइंट ले लो यहाँ बीच वाला, लाइन लेग दिख रहा है, इसको लेना हम, ये हाँ लाइन लाइन दिख गया, ये देखना है छूटे का छोड़ दी, छोड़ दी ना नहीं सी, लास्ट में कमांड से, इसमें दबा दो कमांड से बाहर आ जाओ, इसमें दबा दो कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है क्लियर है, वापस आ जाएगा, आपको इसमें सारे मतलब मैथ खत्म हो जाएगी, एब्सोल्यूट आ जाएगा, रिलेटिव मेथड भी आ जाएगा, एंगल मेथड भी आ जाएगा, यही कुछ बन रहा है एक हाँ, ये तो पॉइंट पहले जरूरत नहीं है, ये तो दे रखे इसमें अटेंड करने जरूरत नहीं, इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब नया हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस है, डिग्री है, वहां पर आपको एंटर करने जरूरत पड़ेगी, तो सब मैं सबसे पहले आगे वाला सब डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर डिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस ना चल रहा और है, ठीक है। एक
देखो आगे अपलोड किए चले, ये आपको बना दो। तो उसी हाँ, इसमें अभी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इस तरीके से चलेगा। ये तो लाइन से बना दूंगा, ये लेकिन तो लाइन डिस्टेंस देके बना सकता हूँ। हमें पता हाँ, पता सब कर सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट देने। हाँ, पता सब कर सकते हैं, बट अभी इसको छोड़ो, हम दूसरी वाली लाइन कमांड आगे वाला यूज देखते हैं। अब चलता लाइन कमांड में जो मेथड चलता है, इसके अंदर भी एंगल मेथड चलता है। स्टार्टिंग चलती है लाइन, स्टार्टिंग लाइन चलती है बहुत खूबसूरती है, रिलेटिव मेथड से। है आगे जो लाइन यूज करते हैं, मान लो मैंने इसको लाइन को, सीएमआई मैं आगे लाइन को मान लो कि कोऑर्डिनेट मेथड नहीं दू और सीधे स्ट्रेट चलानी मेरे को, तो एक F8 की होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। F8 दबाएं कीबोर्ड से, तो लाइन आपकी या तो हॉरिजॉन्टल चलेगी या तो वर्टिकल चलेगी। सीएमआई F8 दबाएंगे तब, है ना, इससे लाइन स्ट्रेट चलती है। अब मेरे को डिस्टेंस देना है 10, एंटर कर दो। ये यहाँ से सिर्फ 10 इंच की लाइन बनेगी, मेजरमेंट वाली सिर्फ 10 इंच, कोई कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं है हमको। ऊपर लेना कर्सर को, ऊपर 10 ले दिया, एंटर कर दिया। ऑप्शन सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, हो इधर लेना है 10 लिख दिया, एंटर कर दिया। नीचे लेना है 10 लिख दिया, लेकिन एंटर, और कमांड से बाहर है इस पे। बेटा बड़े ये उसका सबसे यूज मेथड लाइन चलाने के लिए ना, पॉइंट हाँ में तो आपको यूज करना पड़ेगा एंटर वगैरह का। हाँ अब इसका मेजरमेंट आपको चेक करना है कि ये सही बनी है या गलत बनी है। तो एक होती है MEA, जिसको बोलते हैं मेजर जोमेट्री स्क्वायर, है ना, ये हमारे टेन यूजर इंटू टेन का लेंथ और विड्थ बराबर है, ठीक हाँ है। इसके बारे ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट अलग अलग लाइनों में से बना हुआ है, इंडिविजुअल लाइन है, अलग 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 चारों लाइन है। अभी अब इससे भी पांचवी बार पढ़ना है, तो कमांड होती है PL, पॉली लाइन। पॉली लाइन जो कमांड होती है, ये आपको सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, मतलब जुड़ा ऑब्जेक्ट ही बनाएगी सीधे। हाँ PL लगाया, स्पेस का हाँ स्टार्ट पॉइंट, वापस सेम डिस्टेंस दे दो, मतलब मैं 20 दे देता हूँ, ऊपर 10 दे देता हूँ, इधर लेके 20 दे देता वापस। और अब मान लो कि मेरे को नीचे लेंथ नहीं दे रही है, सीधा इस कमांड के अंदर क्लोज ऑप्शन आता है, लाइन में भी आता है, इसमें भी आता है, सीधा दबा दो, एंटर कर दो, कमांड से भी बाहर आ जाएंगे और इसको एंड पर जोड़ भी नहीं, सीधा दबा देगा क्लोज हो जाएगा, सीधा मतलब क्लोज। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, एक तरीके से पूरा हो जाएगा सिलेक्ट, आप और ये अलग अलग लाइनों से सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोगों तो हाँ हाँ ये पॉली ने लाइन से बना हुआ है और लाइन से बना हुआ है, तो लाइन वाले ऑब्जेक्ट को आपको पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्वालिटी और पॉली लाइन के ऑब्जेक्ट को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन करते हैं। अगर लाइन के ऑब्जेक्ट को पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है तो होगा जॉइन कमांड, जे दबाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जे जॉइन करने, जोड़ने के लिए एंटर करा, इस पूरे को ऐसे सिलेक्शन बना लो, पूरा उसको एंटर कर दो, ये पूरा एक है, देखेगा ठीक है। और अगर इसको वापस आप अलग लाइनों में कन्वर्ट करना है, उसके लिए होता है एक्स, होता है शॉर्टकट की कमांड है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर लगाया, एंटर किया, सेलेक्ट करा, एंटर कर दो, ये पूरे अलग अलग तो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। तो अब जोड़ने के लिए तो चे, तोड़ने के लिए एक्सप्लोर, क्लियर। क्या अब मान लो कि मेरे को करना लाइन मेथड से भी कुछ शेप क्रिएट करना है, जैसे ट्राइंगल वगैरह सब बना है, तो बना सकते हैं ना। एक लाइन ले ली, क्लिक करा, इधर डिस्टेंस लेता हूँ 25, एंटर कर दिया। अब मेरे को लाइन एंगल मेथड में चलानी है, तो इसमें आपको 25 दे दिया और सिर्फ लेंथ इसमें भी लगाना पड़ेगा एंगल के लिए। अब आपको 120 एंगल देना पड़ेगा, ट्राइंगल का आउटर एंगल कितना था 120, स्टैटिक्स और सी एंटर क्लोज, ये ट्राइंगल बन गया फिर। इसी तरीके स्क्वायर बन जाएगा, 90 एंगल होगा, 180 होगा, क्लोज कर दो। पेंटागन में 72, 144, 260, मैक्स लिमिट में एंड हो जाएगा। हेक्सागन में 60, 120, 180 और 240, ये एंड हो जाएगा।
ठीक है आप सुन रहे हो क्लियर। जैसे तो लाइन मैटर से भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब इससे आगे चलना है तो अब हमको यूज करना है REC कोई रेक्टेंगल कमांड जहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट और अदर पॉइंट। सीधा ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, रेक्टेंगल से बनाता है ये पूरा जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। लाइन से बनाओगे तो भी रेक्टेंगल से बना सकते हैं, इसमें आपको लेंथ देनी पड़ती है हर बार, और वो अलग अलग लाइनों से बना हुआ होता है। पॉली लाइन से भी लेंथ देनी पड़ती है, वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। इस रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ दो ही देनी पड़ेगी, और एंटर करना तो सीधा बना देगा जैसा चाहिए। अभी ये तो रैंडम है, कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, REC लगाना। इस रेक्टेंगल में रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड काम आता है। आपको शिफ्ट एंटर लगा करके पहले एक्स एक्सिस, हमेशा इसके अंदर पहले लेंथ आएगी तो एक्स की वैल्यू पहले आएगी हमेशा ही, ठीक फिर वाई की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू मैंने दे दी मान लो 20 कोमा 20 या तो बन के स्क्वायर से सीधा बना दो, लेंथ है और लिख दो और सीधा क्रिएट हो जाएगा। क्लियर ठीक है। लाइन से बना सकते हैं जहां जरूरत, लाइन से पड़ती लाइन से बनाओ, जहां पड़ती है पॉलीलाइन से जरूरत पॉलीलाइन से बनाओ, जहां पड़ती है रेक्टेंगल से बनाओ। पर अब वो यूज करना कि जितना कम टाइम में फास्ट काम हो वो यूज कर। रेक्टेंगल से बना के भी लाइन परफेक्ट कर ही सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर तो हो जाएगा। ये तो पॉली लाइन ही ऑब्जेक्ट, ये सब तो हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक कमांड लगानी है OS ऑब्जेक्ट स्नैप। सारे पॉइंट और होने चाहिए, मेरे अभी ऑन ही है तो टेंशन नहीं। ठीक है, तो मैं PL कमांड लगाता हूँ पॉली लाइन। फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आ रहा है, मिड ये भी मिड आएगा, दूसरा मेरा ये मिड आएगा, चौथा तो मेरा ये मिड और एंटर करो। ये पूरा बना हुआ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये भी जरूरी है हमारा पॉलीलाइन से बना हुआ। अब मेरे को इसी जैसे शेप की और चाहिए, छोटे और बीच में गैप होना चाहिए। एक ऑफसेट होता है पता आपके, जो ऑब्जेक्ट बीच में गैप होता है उसको ऑफसेट बोलते हैं। जैसे कोई ड्राइंग होती है, अब जैसे यही होगी, अब इसमें जो थिकनेस है ना इस पत्ती की, अगर लाइन हम 2D बनाएंगे तो एक लाइन ये खींचेगी, एक लाइन ये होगी। इसमें जो गैप है ना इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, गैप हम ऑफसेट कमांड से लेते हैं। तो उसके लिए कमांड आती है O ऑफसेट फिर एंटर। अब ये देखो इसमें आपको पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, अब वो कितना गैप चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट जो हमारा है 25 में 25 से 12 होते हैं, जरूरत नहीं है। अब हमको तो एक लिखना पड़ेगा, फिर एंटर करना पड़ेगा, और फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अंदर क्लिक कर देंगे। जैसे बड़ी वाले को हाँ, इसके बीच में दोनों को बीच में गैप है ना, ये 1 इंच का, उसको ऑफसेट बोलते हैं। एक ठीक है, जैसे मान लो लेग गुड़ी पड़ती है तो उसे दिखाना साइड से, तो दिन छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि लेग लगाने के लिए पर्टिकुलर कॉर्नर से लेग लगाने का। हाँ, नहीं लगा सकते, मकान का नक्शा बनाए तो भी आपको साइड में बहुत देखते हैं तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पूरा फ्लोर के अकॉर्डिंग से बनाने से इसलिए उसको बोलते हैं ऑफसेट देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो वो मुझे ठीक है। हाँ, सिंगल पत्ती तो होती नहीं, 6 इंच लेंगे, 9 इंच लेंगे, 12 इंच लेंगे, गांव में 15 इंच भी होती है, 18 इंच भी होती है। तो अपने ऊपर डिपेंड है कितना ऑफसेट चाहिए, तो अंदर क्लिक करते जाओ जितना ऑफसेट चाहिए उतना ले। अब इससे कम नहीं होगा क्योंकि इससे कम इसके अंदर क्या है, गैप नहीं। हाँ, इतना इनफ है। अब आर आर हम ऑफसेट ले सकते हैं, अभी भी आर कितने भी ले सकते हैं, बाहर कितना भी दे सकते, अंदर नहीं दे सकते, अंदर एक फिक्स लिमिट आ जाएगी हमारा। ठीक है, ये चार भाई तुम्हें होता है, उसको बहुत लग रहा है, बता दूं। करेंगे क्लियर है, क्लियर करेंगे इसके यहां से चार यहां पॉइंट देना है, मिड पॉइंट से इसके एंड, तीन ऑटोमेटिक पॉइंट ड्रेस कर देगा, मतलब ये पॉइंट ऑन हो गया ना ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहां से पांच यहां पर चार रुपए एक, यहां से कितना यहां पर,
फिर यहाँ से आप जाओ इसी को, ठीक है, अगर सोशल मीडिया अब आपको क्या करना है, सर्विस इस लाइन का भी ऑफसेट लेना, वही सेम प्रोसेस, कस्टमर एक आपको इंच क्या का, मालूम तो सॉरी ऑफसेट एक इंच का, क्या यहाँ क्लिक करो। ये कुछ अब गलत मैं बार बार क्लिक कर दो बार कर सकता हूँ, तो दिया इसमें कमांड में ऑप्शन आता मल्टीपल, हमको ये यूज मल्टीपल में करते क्लिक कर दो और माउस हैं से क्लिक करते जाओ, अगर अगले टॉपिक को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप तो बोलते हैं कि बाहर के लोग रहेंगे हाँ आपका जो साइज फिक्स हो तो कितने क्लिक करते हैं साइज एंटर फिक्स करो, 12 आ गया, हो गया। तो अब ट्रिम करो, पहले ये लाइन है मेरे को बार वाली जो क्रॉस होती है, तो इसमें तो नहीं चाहिए। हाँ ER कमांड बोलता सिंपल है ट्रिम, पहले हटा दो, जो इस देखो लाइन को काट ली थी वो लाइन बार लेती है, तो वाली पूरे नहीं हटेगी, पूरा हटेगी, डिलीट करो सीधे जाओ, हो लेकिन तो गया। ठीक है, ये कि ये चीज आपको इधर करनी है, ऑफसेट लगाओ, डिस्टेंस वही 1 इंच का सर सेलेक्ट करके एम प्रेस कर दो मल्टीपल के लिए। और नॉर्मली से कितने गए थे मेरा ये हमारा बाय से आने फेवर से होती है हम कुछ चीज जो सेलेक्ट किसे हो इंटर पटेल तक भी मेरा गया गूगल में सेंसर करते तो ग्रामीण उसे से तो अब 10 महीने तक रहा है मेरा गया 10 रुपये चढ़ा होना है पांच ये हो गया दिन मल्टीपल में कर सकते हो, अब सब्सक्राइब सेव करना है। हाँ करना आपको चढ़ा है आपको गलत तो पड़ेगा, गलत से करती तो आपको कंट्रोल जैसे आ जाना चाहता हूँ, पूरा आ जाएगा। ठीक तो है, वहां सर्ट्रोजेक्ट पर तो वैसे की होती है, मैं जिससे जाते वो तो वैसे ठीक हैं हो, वो ठीक है, तो क्लियर। सुना है इस बार